नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के जियोग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रीवियस वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, चांगिरजंग हॉट वाटर स्प्रिंग आर इन चांगिरजंग गर्म पानी का चश्मा कहाँ स्थित है। अब क्वेश्चन चार ऑप्शन थी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन ए, किन्नौर। किन्नौर में स्थित है चांगिरजंग गर्म पानी का चश्मा। आज वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन है, एरिया ऑफ कांगड़ा इज, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का क्षेत्रफल कितना है। क्वेश्चन चार ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर वन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 5739 स्क्वायर किलोमीटर। 5739 स्क्वायर किलोमीटर जो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का क्षेत्रफल है। अच्छा, बात डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की हुई, तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का गठन जिले के रूप में हुआ था 1 नवंबर 1966 को, और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का जो हेडक्वार्टर है वो धर्मशाला में स्थित है। धर्मशाला की स्थापना जो थी वो 1846 में लॉर्ड मैकलॉर्ड के द्वारा की गई। कांगड़ा सिखों के अधीन आया था 1783 में, और ब्रिटिशर्स ने कांगड़ा को कैप्चर किया था 1846 में। तो ये बेसिक सा आप डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के बारे में याद रखिए। क्वेश्चन नंबर टू है, एट विच प्लेस ब्यास एंटर कांगड़ा, ब्यास नदी कांगड़ा में प्रवेश कहाँ से करती है। अब क्वेश्चन चार ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर टू का सही आंसर है ऑप्शन ए, संधोल। संधोल के समीप जो है ब्यास नदी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में एंटर करती है। अच्छा, बात हुई है ब्यास नदी की, तो ब्यास नदी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। ब्यास नदी का वैदिक नाम है अर्चिक्या, और ब्यास का जो ओरिजिन होता है वो होता है ब्यास कुंड रोहतांग के पास से। ब्यास की सहायक नदियां हैं लूणी, बेन, बाणगंगा, उहल, बनेर, चक्की, गज, हारला, पतलीकुला, सैंज, सुकेती, मामुनी, तीर्थन, कुन्हा और मान, ये जो है ब्यास की सहायक नदियां हैं। ब्यास हिमाचल प्रदेश में टोटल बहती है 256 किलोमीटर। ब्यास डिस्ट्रिक्ट मंडी में एंटर करती है भजौरा के समीप, और डिस्ट्रिक्ट मंडी को ये छोड़ती है संधोल के समीप, और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में संधोल के समीप एंटर करती है, और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को छोड़ती है मीरथल के समीप, और पंजाब में ये प्रवेश कर जाती है। ब्यास जो है वो सतलुज नदी के साथ मिलती है हरी का पत्ता नामक जगह में, और जो डिस्ट्रिक्ट पंजाब के फिरोजशाहपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इतना बेसिक सा आप ब्यास नदी के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, फेयर इज सिल्क फ्लेक्चर फंक्शन इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, कांगड़ा जिले में रेशम काटने का संयंत्र कहाँ स्थित है। अब क्वेश्चन चार ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर थ्री का सही आंसर है ऑप्शन ए, नूरपुर। नूरपुर के बोध में स्थित है सिल्क काटने का जो संयंत्र है वो नूरपुर में स्थित है। नूरपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था, हनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में कहाँ पर था, वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के इंदौरा में स्थित है। इतना याद रखिए, आप डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो रेशम काटने का संयंत्र है और हनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। क्वेश्चन नंबर फोर है, सलोल स्प्रिंग डिस्कवर्ड बाय सलोल पानी के चश्मे की खोज किसने की थी। चार ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, कैप्टन ए कॉलमैन। कैप्टन ए कॉलमैन के द्वारा की गई थी सलोल गर्म पानी चश्मे की खोज। अच्छा, इस कहाँ पर स्थित है सलोल पानी का चश्मा, तो सलोल पानी का चश्मा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। इतना याद रखिए आप सलोल गर्म पानी के चश्मे में। क्वेश्चन नंबर फाइव है, विच ऑफ दी फॉलोइंग वाटरफॉल नॉट सिचुएटेड इन कांगड़ा, निम्नलिखित में से कौन सा झरना कांगड़ा में स्थित नहीं है। चार ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर फाइव का सही आंसर है ऑप्शन बी, चैडविक। चैडविक फॉल जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित नहीं है। अच्छा, चैडविक वाटरफॉल जो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित नहीं है, तो ये कहाँ पर स्थित है। चैडविक वाटरफॉल जो है डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट शिमला के समर हिल में स्थित है चैडविक वाटरफॉल। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, टंडन पार्क इज सिचुएटेड, टंडन पार्क कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, कांगड़ा। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के पालमपुर में स्थित है टंडन पार्क। इतना याद रखिए टंडन पार्क कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, हाथीधार ज्वाइन कांगड़ा एंड, हाथीधार कांगड़ा को जोड़ती है, तो हाथीधार जो है वो जोड़ती है कांगड़ा को चंबा से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, हाथीदार डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को डिस्ट्रिक्ट चंबा से जोड़ती है। अच्छा, बात हुई है चोटियों की, तो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है शिला चोटी। शिला चोटी जो है उसकी हाइट कितनी है, तो शिला चोटी की हाइट है 7025 मीटर, और धौलाधार पर्वत श्रृंखला की
डिस्ट्रिक्ट मंडी में सबसे ऊंची चोटी कौन है? धौलाधार पर्वत श्रृंखला की डिस्ट्रिक्ट मंडी में सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है नागरू चोटी। इतना याद रखिए आप धौलाधार पर्वत श्रृंखला के बारे में और हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी की हाइट कितनी है, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, चोलांग पीक इज सिचुएटेड एट चोलांग चोटी कहाँ पर स्थित है? चार ऑप्शन है तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन डी धौलाधार रेंज। धौलाधार रेंज में पड़ती है चोलांग पीक, इस क्वेश्चन का याद रखिए धौलाधार रेंज सही आंसर होगा। अच्छा चोलांग चोटी की हाइट कितनी है ये आपको पता होना चाहिए, तो चोलांग चोटी की जो हाइट है वो है 3,270 मीटर, याद रखिए 3,270 मीटर जो है इसकी हाइट है। क्वेश्चन नंबर 9, टोटल नंबर ऑफ तहसील इन कांगड़ा, कांगड़ा में कितनी तहसीलें हैं? आपको चार ऑप्शन है तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी 15। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो 15 तहसीलें हैं। अच्छा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में 15 तहसीलें हैं और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में कितनी विधानसभा सीट है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो 15 ही विधानसभा सीट भी है, याद रखिए डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में 15 तहसील और 15 विधानसभा सीट हैं। अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश में कितनी पंचायत समितियां हैं ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो हिमाचल प्रदेश में जो है टोटल 78 पंचायत समितियां हैं। और हिमाचल प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो हिमाचल प्रदेश में जो है 3,226 ग्राम पंचायतें हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो है ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, तो इन दोनों क्वेश्चन को आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, झमाकड़ा इज फोक डांस ऑफ, झमाकड़ा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो झमाकड़ा जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का प्रसिद्ध नृत्य है। अभी देखिए, अभी यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की बात हो रही है, तो आपके माइंड में एक सेट है कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा ही सभी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। परंतु जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस टाइम कन्फ्यूजन होने का बहुत चांसेस रहते हैं, तो इसीलिए आप इन क्वेश्चंस को माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में कन्फ्यूज कर देते हैं। झमाकड़ा फोक डांस है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, विच पास ज्वाइन कांगड़ा एंड भरमौर, कौन सा दर्रा जो है वो कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है? आपको चार ऑप्शन है तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन बी इंद्रहार दर्रा। इंद्रहार दर्रा जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है। अच्छा बात हुई है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की, तो इंद्रहार दर्रा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है। साच दर्रा जो है वो कहाँ पर स्थित है ये आपको पता होना चाहिए, तो साच दर्रा जो है वो जोड़ता है चंबा को पांगी से। और कुगती दर्रे की बात की जाए तो कुगती दर्रा कहाँ पर है? तो कुगती दर्रा लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। ये साच दर्रा किसको किससे जोड़ता है और कुगती दर्रा किसको किससे जोड़ता है और कुंजुम दर्रा जो है वो लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। तो इन तीनों के बारे में आप याद रखिए, साच दर्रा जो है वो चंबा को पांगी से जोड़ता है, कुगती दर्रा जो है वो लाहौल को भरमौर से जोड़ता है, कुंजुम दर्रा जो है लाहौल को स्पीति से जोड़ता है, और इंद्रहार दर्रा जो है वो जोड़ता है कांगड़ा को भरमौर से। इतना आप याद रखिए इन रिमेनिंग तीन दर्रों के बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कुणाल पत्थरी टेम्पल इज सिचुएटेड एट कुणाल पत्थरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कुणाल पत्थरी मंदिर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अच्छा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में एक और इम्पोर्टेंट मंदिर है, वो है बगलामुखी मंदिर। बगलामुखी मंदिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। ये मंदिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इन दोनों मंदिरों के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, एक तो कुणाल पत्थरी मंदिर और दूसरा है बगलामुखी मंदिर। ये दोनों मंदिर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, नेम ऑफ विलेज अडॉप्टेड बाय विप्लव ठाकुर अंडर SAGY। सबसे पहले कि SAGY क्या है, तो SAGY की फुल फॉर्म है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत विप्लव ठाकुर द्वारा कौन सा गांव गोद लिया गया है? तो विप्लव ठाकुर के द्वारा जो है मसरूर गांव जो है वो गोद लिया गया है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अच्छा मसरूर गांव जो है वो विप्लव ठाकुर के द्वारा गोद में लिया गया है। ये गांव डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है, तो मसरूर में एक रॉक कट टेम्पल भी स्थित है, उस रॉक कट टेम्पल के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कांगड़ा का जो रॉक कट टेम्पल है, मसरूर टेम्पल भी जिसे कहते हैं, वो 8th सेंचुरी में बना था, ये याद रखिए 8th सेंचुरी में ये बना है। और इसकी डिस्कवरी जो थी वो किसके द्वारा की गई थी? इसकी डिस्कवरी जो थी वो की गई थी HL सटल ब्रिटिन के द्वारा, और 1913 ईस्वी में इसकी डिस्कवरी की गई थी। जो प्रमुख मंदिर है उसे ठाकुर द्वारा के नाम से जाना जाता है, और इसमें जो है तीन मूर्तियां हैं, एक तो है रामा, दूसरी है सीता और तीसरी है लक्ष्मणा की, ये भी आप याद रखिए। और इसके मंदिर के टॉप पर जो है और लॉर्ड शिवा का स्टैचू जो है वो है। तो इतना बेसिक सा आप याद रखिए डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के मसरूर रॉक का टेंपल के बारे में। और मसरूर रॉक का टेंपल को जो है वो कहा जाता है एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश।
तो ये याद रखिए, मसरूर रॉक का टेम्पल को एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश कहा जाता है, और जो ताबो मोनेस्ट्री है उसे कहा जाता है अजंता ऑफ हिमाचल प्रदेश। इतना याद रखिए आप हिमाचल प्रदेश के मसरूर रॉक का टेम्पल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14, सहानगर प्रोजेक्ट इज एट, सहानगर परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो सहानगर परियोजना जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अच्छा, सहानगर परियोजना की बात हुई है तो यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो है कि सहानगर परियोजना जो है उससे जो है कितना एरिया जो है वो सिंचित किया जाता है। तो सहानगर परियोजना से 15,287 एरिया जो है वो सिंचित किया जाता है। ये याद रखिए सहानगर परियोजना के बारे में। अच्छा, एरिया की बात हुई है तो एरिया से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में चाय की खेती होती है, वो कितने एरिया में जो है चाय की खेती की जाती है? तो 2,310 हेक्टेयर एरिया के अंडर जो है वो कांगड़ा में चाय की खेती की जाती है। इतना याद रखिए आप सहानगर प्रोजेक्ट के बारे में, और सहानगर प्रोजेक्ट के बारे में चाय की खेती के बारे में भी मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, उसके बारे में भी आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिनवा प्रोजेक्ट इज एट, बिनवा परियोजना कहाँ स्थित है? आपको चार ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन सी कांगड़ा। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के बैजनाथ में स्थित है बिनवा परियोजना। अच्छा, बिनवा परियोजना जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के बैजनाथ में स्थित है, ये कितनी मेगावाट की है? तो ये 16 मेगावाट की है। अच्छा, और बिनवा प्रोजेक्ट जो है कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो बिनवा प्रोजेक्ट जो है वो बना है बिनवा, जो कि ब्यास की सहायक नदी है उसके ऊपर ये बना हुआ है बिनवा प्रोजेक्ट। इतना याद रखिए आप बिनवा परियोजना के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, धामू शाह फेयर इज सेलिब्रेटेड एट, धामू शाह मेला कहाँ लगता है? आपके पास चार ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन बी दाढ़ी। दाढ़ी में लगता है धामू शाह मेला, दाढ़ी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ती है। अच्छा, धामू शाह मेला क्यों मनाया जाता है? तो धामू शाह एक व्यापारी थे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के, उन्हीं के द्वारा ये शुरू किया गया था धामू शाह मेला। इससे अधिक जानकारी इसके बारे में नहीं मिलती है। अच्छा, बात हुई है फेयर और फेस्टिवल की, तो जितने भी इम्पोर्टेंट फेयर और फेस्टिवल हिमाचल के हम कर चुके हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। शिवरात्रि मेला जो है वो लगता है फाल्गुन के महीने में, सैर मेला जो है असौज महीने की पहली तारीख को लगता है, मणिमहेश यात्रा सितंबर महीने में शुरू होती है और मणिमहेश यात्रा समाप्त हो जाती है राधा अष्टमी के दिन, फुल्लैच फेस्टिवल भादों और असौज के महीने में मनाया जाता है, लद्राचा मेला जो है किब्बर में मनाया जाता है जुलाई और अगस्त के महीने में, चैरवाल फेस्टिवल भादों के महीने में मनाया जाता है, छत्रारी यात्रा शुरू होती है अक्टूबर के महीने में, और मिंजर मेला जो है वो सेकेंड संडे ऑफ श्रावण मंथ को शुरू होता है और थर्ड संडे ऑफ श्रावण मंथ को ये समाप्त हो जाता है, सूही मेला 15 ऑफ चैत को लगता है और फर्स्ट ऑफ बैसाख को ये समाप्त हो जाता है, रेणुका मेला डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में लगता है और दिवाली के 10 दिन बाद ये मेला लगता है, बरलाज फेस्टिवल सोलन और बिलासपुर में दिवाली के 2 दिन बाद लगता है, पत्थर का खेल मेला हलोग में लगता है और दिवाली के 2 दिन बाद लगता है कार्तिक मंथ को, बिशु बिशुवा बैसाखी जो है वो ज्येष्ठ के महीने में मनाए जाते हैं, और नौली फेयर जो है वो मंडी में लगता है। इतना बेसिक्स आप याद रखें फेयर और फेस्टिवल के बारे में। अच्छा, फेयर और फेस्टिवल की बात हुई तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में नवाला फेस्टिवल भी मनाया जाता है, नवाला फेस्टिवल जो है वो गद्दियों के द्वारा मनाया जाता है और इस फेस्टिवल में जो है लॉर्ड शिवा की पूजा की जाती है। तो इतना याद रखें नवाला और धामू शाह मेले के बारे में और अदर फेयर और फेस्टिवल्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 है, दलाई लामा केम टू धर्मशाला, दलाई लामा जो थे वो धर्मशाला कब आए थे? दलाई लामा धर्मशाला आए थे 1959 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्वेश्चन कई बार डिस्कस हो चुका है। अच्छा, दलाई लामा को जो है वो नोबेल पीस प्राइज कब दिया गया था? तो 1989 में दलाई लामा को जो है वो नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। इतना याद रखिए दलाई लामा जी के बारे में, और दलाई लामा जो सरकार है इनकी सारी सरकार जो है धर्मशाला से चलाई जाती है, याद रखिए धर्मशाला से चलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, नगरकोट फोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, नगरकोट किला किस नदी के किनारे स्थित है? आपको चार ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, मांझी और बाणगंगा, इन दोनों नदियों के किनारे स्थित है नगरकोट का किला। याद रखिए मांझी और बाणगंगा इन दोनों नदियों के किनारे स्थित है नगरकोट किला। अच्छा, मांझी और बाणगंगा जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो मांझी और बाणगंगा जो है वो ब्यास की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, चौधरी श्रवण कुमार यूनिवर्सिटी इज एट, चौधरी श्रवण कुमार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आपके चार ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कांगड़ा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के पालमपुर में स्थित है
चौधरी श्रवण कुमार यूनिवर्सिटी। अच्छा, चौधरी श्रवण कुमार यूनिवर्सिटी जो है इसको जो है हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी स्थापना जो थी वो कब हुई थी, इसकी स्थापना जो थी वो हुई थी 1978 में, 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना इम्पोर्टेंट है, ये स्थापना आप याद रखिए। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है एक और यूनिवर्सिटी भी स्थित है, वो है, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है एक मेडिकल कॉलेज भी है, उस मेडिकल कॉलेज का नाम है राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, टांडा मेडिकल कॉलेज के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी टांडा मेडिकल कॉलेज की, टांडा मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1996 में हुई थी, याद रखिए 1996 में टांडा मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। इतना बेसिक सा आप याद रखिए डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के इन दो इंस्टीट्यूशन के बारे में, एक तो है चौधरी श्रवण कुमार यूनिवर्सिटी जिसे हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहा जाता है, और दूसरी है टांडा मेडिकल कॉलेज जिसे राजेंद्र प्रसाद मेडिकल यूनिवर्सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है करेरी लेक जिस सिचुएटेड इन करेरी झील कहाँ स्थित है, आपके चार ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन सी कांगड़ा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है करेरी झील। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में और भी झीलें हैं, उन झीलों के क्या नाम है, एक तो है डल झील, ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है, दूसरी है करेरी झील। अच्छा, करेरी झील की हाइट कितनी है, तो करेरी झील की हाइट है 3048 मीटर, इसकी हाइट आप याद रखिए। और तीसरी झील जो है वो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पोंग झील, इस पोंग झील के बारे में आप याद रखिए कि ये मानव निर्मित झील है, ये मैन मेड झील है पोंग झील। तो इन तीन झीलों के बारे में आप याद रखिए जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 है बड़ा बंगाल इज सिचुएटेड इन, बड़ा बंगाल कहाँ पर स्थित है, तो बड़ा बंगाल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अच्छा, बड़ा बंगाल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है और बड़ा बंगाल से एक नदी भी निकलती है, तो कौन सी नदी है, वो है रावी नदी, याद रखिए रावी नदी बड़ा बंगाल से निकलती है और बड़ा बंगाल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी इज एट, निफ्ट कहां पर स्थित है, निफ्ट को कहा जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है, और निफ्ट की स्थापना कब हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए, निफ्ट की स्थापना जो थी वो 2009 ईस्वी में हुई थी, इसकी स्थापना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है, ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दो इंस्टीट्यूशन मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ, उनके बारे में भी आप याद रखिए, और एक अभी बता रहा हूँ निफ्ट, इसके बारे में भी आप याद रखिए। आपके लिए आज का क्वेश्चन है मोराबियन मिशन लैंडेड इन केलांग, मोराबियन मिशन केलांग कब पहुंचा, आपको चार ऑप्शन है, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।